इनकी बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ ये देख करके नहीं डाला गया कि ये कौन सी जाति की है। जब हिंदुओं को टारगेट किया जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उनका धर्म देखा जाता है। कराची रहते थे हम, तो वहाँ से क्यों आए आप यहाँ पे? वहाँ पे सर रहना दुश्वार है, बहू बेटी को उठा के ले जाते हैं। पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ 99% जिहादी रहते हैं, उस देश में 9 साल की बेटी को लड़के छेड़ते थे, जो दो लड़के छेड़ते थे उनको खत्म करा करके बेटी और परिवार लेकर के भारत आ गए। वहाँ तो आराम नहीं था, आराम करने के लिए तो यहाँ आए। यहाँ पे भी हैरान हो रहे हिंदू जाति के नाम के पीछे उनका बड़ा भेदभाव है, बड़े उनके लिए परेशानी है हिंदू कहलाना। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में डीओ न्यूज के। मेरे इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं ये सारे लोग वो हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, इनकी आइडेंटिटी एक हिंदू की है। आप यहाँ पे जातियों में बटे हैं, आप यहाँ पे क्षेत्र में बटे हैं, आप यहाँ पे भाषा के आधार पे बटे हुए लोग हैं। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ये मेरे बगल में बैठे हैं भाई, ये सिख हैं, कोई इनमें राजपूत है, कोई पिछड़े वर्ग से आता है, कोई मेघवाल है, अलग अलग जातियों के लोग हैं। और इनसे किसी ने इनकी जाति पूछ करके इनको प्रोसिक्यूट नहीं किया, इनकी बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ ये देख करके नहीं डाला गया कि ये कौन सी जाति की है। जब हिंदुओं को टारगेट किया जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उनका धर्म देखा जाता है, सिर्फ ये देखा जाता है कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, उसमें इसका भेद नहीं किया जाता कि आप कौन सी जाति से, कौन सी भाषा बोलने वाली संस्कृति से, या आप कौन से सांस्कृतिक बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारा समाज किस तरीके से बटा हुआ है और इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ये इनमें से कोई 2004 में भारत आया है, आज तक नागरिकता नहीं मिली, कोई 2006 में आया उसको नागरिकता नहीं मिली, कोई 2012 में आया उसको नागरिकता नहीं मिली। यानी कि जो आधार तो भारत सरकार ने बनाए हैं कि अगर कोई 12 साल लगातार रह जाए भारत में तो उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू ही नागरिकता दे दी जाती है, लेकिन इनको वो नहीं मिलती। पाकिस्तान से आए हुए एक सिंगर को बिना किसी ऑफिस में धक्के खाए अदनान सामी को घर बैठे नागरिकता मिलती है और विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री बुला करके अपने हाथ से नागरिकता का सर्टिफिकेट देता है। क्यों देता है? क्योंकि जाहिर सी बात है वो अरशद समी खान का बेटा है। अरशद समी खान कौन थे? पाकिस्तान की एयरफोर्स में थे, फिर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में थे, राजदूत थे पाकिस्तान के साथ। अब आप सोचें कि जिसके बाप ने पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, वहां की सरकार के लिए अपनी सेवाएं दी भारत के खिलाफ, उसके बेटे को तो भारतीय सरकार अपने घर पे बुला करके मंत्री जी अपने हाथ से वहां की नागरिकता देते हैं, लेकिन वो लोग जो अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी पहचान तलवार की नोक पे भी नहीं बदलते, उनको यहां बुला करके धक्के खिलवाती है, जलील करती है सरकार, ये ब्यूरोक्रेसी। तो आज हम चाहते थे कि बहुत सारे लोगों ने आपके सामने इनकी बातें रखी, हम भी रखते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि ये खुद अपनी बात आपके सामने रखें और हम इनसे वो सवाल करें जो सवाल कोई मेनस्ट्रीम मीडिया इनसे नहीं पूछना चाहता। हाँ, सरकार किसी दिन कह देगी तो पूछ लेंगे, अदरवाइज नहीं पूछते। तो आइए हमारे सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सिख भाई हमारे बगल में ही बैठे हैं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम श्री सिंह है। श्री सिंह, तो श्री सिंह जी आप कब से आए हैं भारत? 2008 से। तो 2008 से आपको कितने साल हो गए? लगभग 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। तो और आप खुद 16 साल के थे जब आए थे? जी सर। अभी तक आपकी नागरिकता नहीं हुई? नहीं हुई सर। आप वहाँ से, वहाँ पे कहाँ, कौन से इलाके में रहते थे? वहाँ पे सर सिंध में रहते थे, कराची में रहते थे, सिंध तो स्टेट पड़ता है, तो कराची रहते थे वहाँ पे। तो वहाँ से क्यों आए आप यहाँ पे? वहाँ पे सर रहना दुश्वार है, बहू बेटी को उठा के ले जाते हैं, हिंदुओं सिखों के लिए बहुत जीना दुश्वार, वहाँ पे तो रहना ही बेकार है, रह नहीं सकता बंदा। तो आप यहाँ जब आए जी, तो आपको क्या उम्मीद थी कि कब तक आपकी नागरिकता हो जाएगी? सर हम तो वहीं से ये सोच रहे थे कि हम अपने भारत में जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं, तो हमारे हिंदू हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे और समाज के भाई हैं, उनसे हमारा इतना फर्ज है, इतना हक है कि उनकी जो रोटी वो खा रहे हैं वो छीन के भी हम खा लेंगे, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम आए तो यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे तो कोई और ही हिसाब किताब है।
तो वहाँ पे आप जिस इलाके में रहते थे वो इलाका आबादी के हिसाब से उसका क्या प्रपोर्शन था, मतलब कितने परसेंट वहाँ सिख हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं वहाँ पे? कराची में तो लगभग सर जो हिंदू सिख हैं ही नहीं, कम हैं, बाकी पिशावर वगैरह की साइड हैं, पिशावर हैं, सिंध में हैं, वहीं सिख हैं, बाकी कहने को ये 1-1.5% रह गए, बाकी तो सारे ख़त्म हो गए हैं ही नहीं। तो ख़त्म कैसे हो गए, मतलब ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया, क्या हुआ? नहीं, कुछ तो मार दिए गए सर, कुछ तो उनको धर्म कन्वर्ट उनको करवा दिया गया बंदूक की नोक पे, या बड़े वहाँ जमींदार होते हैं उनको वडेरा बोलते हैं, जमींदार के उस पे कुछ वो करवा दिया गया, धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। अगर नहीं करवाओगे तो गवर्नमेंट भी उनकी है, सब कुछ उनका है, अगर वहाँ रहना है तो वो जैसे कहते हैं वैसे करना पड़ेगा सर। पुलिस नहीं सुनती आपकी? नहीं नहीं, पुलिस नहीं सुनती। आप FIR नहीं करा सकते? नहीं करा सकते सर, वहाँ तो जो सिर्फ मुसलमान को छोड़ के किसी कास्ट का जो बंदा है, या हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध, कोई भी हो, उसकी कोई भी वहाँ वैल्यू नहीं है। हमने तो सुना था कम से कम वहाँ पे ये एक परसेप्शन बनाया जाता है, वहाँ पे एक करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया और उसमें बताया गया कि भाई सिख पूरी दुनिया से बुलाए जाएंगे और सिखों का बड़ा वहाँ ख्याल रखा जाएगा। आप तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। वो तो सर एक दिखावे के लिए करते हैं, मीडिया में दिखावे के लिए करते हैं सर। वहाँ की जो जितने गुरुद्वारे हैं ना, उनमें कोई कमेटी ही नहीं है, उनमें वो जितने गुरुद्वारे वहाँ पे उन जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने कब्जा कर रखा है, बाहर से जो पैसा आता है वो खाते हैं। जैसे यहाँ अपने हिंदुस्तान में जो कमेटियाँ हैं, दिल्ली कमेटी है, प्रबंधक कमेटी है, अमृतसर की कमेटी है, वैसे वहाँ कमेटी नहीं है। मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो वो चलाती है गुरुद्वारों को, तो फिर वो कहाँ से वो कर लेंगे? वो तो दुनिया को दिखावे के लिए करेंगे ना, दिख रहे करेंगे जब उनको पैसा आ रहा है ऊपर से। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गुरुद्वारे और मंदिर ये वहाँ की सरकार कंट्रोल करती है? जी सर। वो तो हिंदुस्तान में भी करती है, हिंदुस्तान में मंदिर तो सरकारी कंट्रोल करती है, हाँ, लेकिन गुरुद्वारे और मस्जिदें तो सरकार कंट्रोल नहीं करती है यहाँ पे, और वहाँ पे मस्जिदें सरकार कंट्रोल करती है? नहीं नहीं सर, वहाँ पे जो मस्जिदें वो गवर्नमेंट नहीं करती है, कंट्रोल नहीं करती, वहाँ उनकी कमेटी बनी पड़ी है अलग अलग। लेकिन जो अपने गुरुद्वारे ही है ना, अपना हमारा गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है, ननकाणा साहब है, जन्म स्थान है बाबा जी का, पंजा साहब है, वो वहाँ पे स्थापित वहाँ पंजा लगा हुआ है बाबा जी का, तो वहाँ जितने गुरुद्वारे हैं, रोड़ी साहब है लाहौर में है गुरुद्वारे, तो वहाँ जितने गुरुद्वारे बड़े हैं उनको मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही मतलब करती है। तो आपको क्या लगता है कि ये CA के कानून के बाद आने के बाद भी आपको नागरिकता नहीं मिली? नहीं सर, CA के जो ये हमने तो सुना था ये जो CA का बिल आ जाएगा सर, ये इसके बाद हमें सिटीजन हमें मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद भी नहीं मिली, इसके बाद भी धक्के खाने पड़ते हैं हमें। चलिए आइए और साथियों से बात करते हैं। भाई साहब, आप सबसे पहले अपना परिचय दें। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम शिवम शर्मा है। मैं 2013 में कराची से, मैं अभी कराची में ही रहता था वहाँ पर, और फिर यहाँ पर 2013 में आया। बैकग्राउंड मेरा ये रहा कि जो वहाँ पर हम लोग घटनाएं देख रहे थे, मेरे परिवार तक तो कोई ऐसा हल्की व्यापार ही कोई नहीं आया, लेकिन जो मैंने देखा कि मेरा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा वहाँ पर आने वाले दिनों में, तो उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम लोगों को जाना ही हमारे लिए उचित है, क्योंकि हमारा हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सब कुछ है, वो सब हमारे भारत देश का ही है। तो हमने साथ स्लोली स्लोली माइग्रेशन अपना स्टार्ट किया। 2015 तक सब यहाँ पे हमारे परिवार से हम लोग सब शिफ्ट हो गए यहाँ पर। तो जब शिफ्ट हुए तब आए, जो कुछ चीज़ें यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा अलग ही लगा। 2015-16 में फिर हमें यहाँ पर तब मुझे कोई यहाँ पर जॉब वगैरह नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर मैं बैंकिंग सेक्टर में काम करता था, तो बैंकिंग से रिलेटेड कोई यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही थी मुझे, मेरी क्वालिफिकेशंस वहाँ पर सारी वहाँ उसकी रिकॉर्डिंग थी वहाँ पर। तो 2-3 साल तक मैं बेरोज़गार रहा यहाँ पर। काफ़ी कठिनाई आई मुझे, यहाँ तक कि मेरे सब कुछ ख़त्म हो गए थे। एक स्टेप निर्णय मेरा यहाँ तक आ गया था कि शायद मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन फिर हमें हमारे आदरणीय भाई साहब जय ओझा जी और डॉक्टर महेंद्र रत्नू जी, वो मिले हमें। उन्होंने कहा हम लोग संस्था बोल रहे हैं, एक हमारे भाई ऑलरेडी हमारे साथ हैं, अपना गोवर्धन जी, गोवर्धन मेघवाल जी, और आप भी जुड़ो और दोनों आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करो, और वहाँ से जो भाई हमारे यहाँ पर आए हैं उनको टेक्निकल सहायता दीजिए आप वहाँ पर,
तो हम लोग फिर हम दोनों भाई मिलके निमित्तकम प्लेटफॉर्म पे हमने ये काम स्टार्ट किया और टेक्निकल पूरा सपोर्ट मदन भाई साहब भी काम कर रहे हैं, हम भी, मैं भी कर रहा हूँ, जो भी वहाँ से आते हैं उनका फॉर्म ऑनलाइन करना और ये सारे कार्य करना हम सारी उसमें कर रहे हैं। अभी ये हमारे तकरीबन 3-4 का स्टाफ है यहाँ पर, जो भी सपोर्ट बन सकती है सरकारी और मैंने के जो भी जो लोग आते हैं उनकी इंक्वायरीज वगैरह करवाना, सब उनको ऑनलाइन यहाँ पर स्टे करवाना, क्योंकि जब उनको वीज़ा मिलती है उस वीज़ा को कन्वर्ट करके लॉन्ग टर्म वीज़ा में कन्वर्ट करना, फिर ये सारे कार्य हमारे ऑफिस से ही सारा होता है। मेनली हमारे गोर्धन भाई साहब वो सारा देख लेते हैं, उसके बाद जो भी टेक्निकल सपोर्ट होती है मैं भी देखता हूँ उसमें। ये तो आप कराची, मतलब कराची तो एक कहते हैं ना कि तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कहते हैं कि चलिए जो अंदरून सिंध है, जो मैं मान लेता हूँ कि भाई चलो अमरकोट में या आप ये कह लें सखर में या और आगे के जो अंदर के इलाके हैं वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं समझ में आता है। अब आप मेरे से ये कह रहे हैं कि मतलब कि जो सहराए फैसल पे रहने वाले जो अर्बन पॉश इलाके के रहने वाले उनके साथ भी ये घटनाएं हो रही हैं। अच्छे खासे एरिया में रहता था, वहाँ पर एक ही स्टील मिल है जिसको पाकिस्तान स्टील मिल के उसी की रेजिडेंशियल एरिया में एक भाई हमारे जो हमारे बैकसाइड में कोई व्यक्ति सिंधी थे उसको उठा के लेके गए, क्योंकि उसको वो हिंदू है, क्योंकि वो यही समझ के उठा के लेके गए थे कि हम इसको इनको उठाएंगे इनसे पैसे लेंगे और ये करेंगे। और भी हमारी बेचारा बहुत ही सिंधी भाई था, उस हाथ से अपाहिज था, उसकी बेटी को उठा के ले गए। तो कराची में भी बहुत से काफ़ी प्रोग्राम ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है जो कि हमने आंखों से देखी और काफ़ी ऐसा देखा। तो वो देखने के बाद भी अगर हम आके बंद करके वहाँ बैठ जाएंगे कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा तो हमारी मूर्खता होती, और इसीलिए हम लोग फिर वहाँ आने का प्रयास किया। हाँ, तो इसलिए हमें 2013 में फिर यहाँ पर आ गया, बाकी सारी भी कार्य कर ही रहे हम लोग अपना, जो भी है सी ए में फॉर्म भरना और अपना बाकी 1955 वाले एक्ट में फॉर्म भरना। 1955 का एक्ट ये था कि 2016 से पहले कलेक्टर्स की पावर नहीं थी नागरिकता देने के, बाद में हमारे आदरणीय मोदी जी और उस वक्त के हमारे आदरणीय राजनाथ जी जो हमारे होम मिनिस्टर थे उनकी प्रयासों से कलेक्टर्स को 2016 में पावर मिले। तो 2017 में मैंने गुर्जर जी ने तक कोशिशों के बाद हम जय उजा जी भाई साहब हैं उनकी सहायता के साथ हमने कोशिश की और 3 जनों को फर्स्ट नागरिकता पूरे देश में जब कलेक्टर्स को पावर मिले वापस रीस्टोरेशन हुई कलेक्टर्स को, तो जून 1 में 3 जनों को नागरिकता स्टार्ट करवाई थी रीस्टोर होने के बाद। उसके बाद ये कंटिन्यू रहता रहा। तो सी ए स्टार्ट होने से पहले पहले हमने लगभग कलेक्ट्रेट के साथ मिलकर जयपुर के अंदर लगभग 200 जनों को नागरिकता हमने दिलवाई। बाद में सी ए आया, सी ए का कानून आया, पर उसको बहुत प्रॉब्लम हुई, उसको 2 साल लग गए, तो काफ़ी टाइम लग गया उसको इम्प्लीमेंट होते हुए। तो बाद में इम्प्लीमेंट हुआ तो फिर हमने उसमें भी फॉर्म भरे, पर जो कानून आया तो हमारे अपेक्षाओं से बहुत ही विपरीत आया वो कानून। वो हमें एज अ पता नहीं दिखा दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने, दिखाया कुछ और गया था, दिया कुछ और गया। क्यों किया सरकार ने ये, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसमें तो कोई दोहरावा नहीं है, क्योंकि सीए में कुछ हमें बताया गया था कि एक व्यक्ति जो यहाँ पर 5 साल रहता है यहाँ पर और उसको कोई उसकी एजेंसी आईबी या सीआईडी उसका क्लियरेंस है और तो 5 से 6 साल में उसको कागज कोई उसके पास चाहे अवैध हो, इनवैलिड हो या वैलिड हो उसके पास डॉक्यूमेंट्स, उसको नागरिकता मिल जाएगी। पर इसमें भी बाधाएं आ रही हैं, अगर किसी की वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और वो बेचारा 2014 से पहले आया है उसको भी नागरिकता नहीं मिल रही, उस समय अटक रहा है। क्यों अटक रहा है? उसको ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, तुम 1955 में हैं, फॉर्म भरा लो। चले ठीक है, उसके भी सरलता है, लेकिन उस एक्ट में हम लोग के एक कंडीशन है कि उसमें 8,500 रुपये हमें सरेंडर भी देने पड़े, क्योंकि हम ड्यूल नेशनलिटी नहीं ले सकते। नागरिकता यहाँ पर लेने से पहले हमें एक नागरिकता छोड़नी पड़ेगी वहाँ की। हम जब छोड़ने के लिए वहाँ पर दिल्ली सरकार जाते हैं, वहाँ पर दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में, तो पाकिस्तान हाई कमीशन चार्ज करता है 8,500 रुपये एक व्यक्ति के। हमारी सरकार हमारे यहाँ का मेहनत का कमाया हुआ आतंकवादी देश को पैसा क्यों दिला रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा।
पर व्यक्ति तो 8,000 सरकार को थोड़ा सा इसको चेंजिंग करना चाहिए, चाहे वैलिड हो सीए में चाहे अनवैलिड हो, उसको नागरिकता मिलनी चाहिए सीए के अंदर, तो ये कंडीशन हो जाए तो आइए अब आपको एक सज्जन से हम मिलवाते हैं। ये इनकी कहानी बड़ी रोचक है। ये जब वहाँ से चले पाकिस्तान से, अपनी बेटी, आप कितनी बेटी है आपकी? एक है। उस बेटी के साथ क्या दिक्कत क्या हो रही थी? 9 साल की थी, लड़के तंग करते थे उनको। 9 साल की बच्ची थी आपकी, उसको लड़के, मुसलमान लड़के तंग करते थे? स्कूल जाती थी ना, तंग करते थे। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? तो फिर उनसे झगड़ा करा सर हमने। लड़े आप उनसे? उनको लड़े, दोनों को ही खत्म करा दिया मैंने। दोनों को ही मार दिया आपने? फिर वहाँ से रातों रात उसी ट्रेन निकले हम। देख लीजिए, पाकिस्तान में रह रहे थे, 9 साल की बेटी को यहाँ पे लोग रोते हैं, चीखते हैं। सबसे पहले तो बच्चियों को सर्व धर्म संभाव पर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सेक्युलरिज्म बताते हैं कि सारे धर्म एक हैं, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये सब मीडिया का फैलाया हुआ प्रपंच है। और फिर जब बेटी लव जिहाद में चली जाती है तो छाती पीटते हैं, रोते रहते हैं। यहाँ एक पिता है, पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ 99% जिहादी रहते हैं, उस देश में बेटी को, 9 साल की बेटी को लड़के छेड़ते थे, जो दो लड़के छेड़ते थे उनको खत्म करा करके बेटी और परिवार लेकर के भारत आ गए। आगे सर, हम हिंदू धर्म में सर अपना धर्म बचा के आए, पूरी मिलकर छोड़ के आए हम, रोके से निकले हम, पीछे लग गए आदमी, फिर हम उमरकोट से ट्रकों के जरिए कराची गए, कराची से फिर वापस हैदराबाद गए, हैदराबाद से फिर इस्लामाबाद गए वीज़ा के लिए। वहाँ एक हफ्ते के बाद हमें वीज़ा मिला, जैसे ही वीज़ा मिला वहाँ से हम लाहौर आए और 28 से हम आ गए इधर जयपुर में। ये हाल है हमारा, फिर भी हम अपना हिंदू धर्म बचा के आए, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म के लिए सारा काम किया हमने। जैसे हम कोई परिवर्तन बोलते थे, इससे पहले बोलते थे मुसलमान बन जाओ, परिवर्तन बनो, और तावान लेते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, वो भी नहीं होने देते थे हम, लड़ाई करते थे हम, झगड़ा करते थे, फिर दुश्मनी हो गई, बढ़ गई सब, फिर निकल के आ गए हम। अपना ये हिंदू देश है सर, यहाँ हमें कोई तंग नहीं करता, अपना कमाते अपना खाते, भी हमें नागरिकता भी मिल गई जे आवजा साहब की मेहरबानी से, डॉक्टर रत्नु साहब की मेहरबानी से, हमारे गोवर्धन जी साहब है, ये चीदम साहब बैठे थे, इनकी मेहरबानी से सारा मेहनत इन्होंने की है, सारी मेहनत हमें नागरिकता बल्कि मेरे को नागरिकता मिली है 2018 में 30 अगस्त को। अब आए कब थे? 2005 में। 2005 में जी सर। तो आपकी बेटी तो उस समय 9 साल की थी? 9 साल की। अब तो काफ़ी बड़ी, तो शादी हो गई? शादी करा दी सर, यहाँ शादी हो गई। ओ जी सर, 12-15 में मैंने शादी कर दी उसकी। अभी उसके 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, वो भी अभी आने वाली थी लेकिन उसके पति की तबीयत ख़राब हो गई, नहीं आ सकी, क्योंकि गोवर्धन जी साहब ने भी उनको फ़ोन करा था कि बेटे आप भी आ जाओ, उस वजह से वो आ रही थी, लेकिन उनके पति की तो है ना तबीयत ख़राब हो गई, वो उस वजह से नहीं आ सकी। तो आप ये, आपने कहा कि हम हिंदू हैं, हम अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देते तो क्या दिक्कत था? अपना रहते, आपकी ज़मीन जायदाद खेत सारे रहते ना? जायदाद ज़मीन है तो सर, ज़िंदगी है तो ज़मीन जायदाद बन जाती है, धर्म तो नहीं बनेगा ना, धर्म कहाँ से बनेगा, नहीं बनता ना धर्म। फिर 4 लड़के हैं मेरे पास, एक लड़की घरवाली थी, घरवाली गुजर गई अभी, उनको भी मुसलमान करूँगा, ये अच्छा नहीं कर, ज़मीन ही नहीं कहता हमारा, हिंदू धर्म कोई तम धर्म थोड़ी है। तो ये कौन से मुसलमान है, ये भी तो पहले हिंदू ही है, ये बाद में ही मुसलमान बने हैं ना, वो तो पैदाशी मुसलमान थोड़ी है ये कोई, हाँ ये भी हिंदू है। हम अपना हिंदू धर्म जय श्री राम का नाम लेते हैं, जय श्री राम। ये आप इंडिया में ये बहुत चलता है कि आप कौन से समाज से हैं? हम राव समाज से।
नहीं, जो अभी पहले पूछेगा तो भाई हिंदू है, जब वो पूछेगा हमारे से भाई किस समाज से हो तो हम बताते, पहले तो हिंदू ही बोलेंगे हम। मेरा सवाल ही वही था कि यहाँ पे जो भारत में चलता है, जो मीडिया में प्रोपेगेट किया जाता है, या जो अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस पार्टी, ये सारे ये लोग जो प्रोपेगेट करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई आप सबसे पहले, आप या तो आप सबसे पहले मेघवाल हो, सबसे पहले आप राजस्थानी हो, सबसे पहले आप मारवाड़ी हो, सबसे पहले आप ये हो, तो क्षेत्र, भाषा और जाति के नाम पे उस जो पहचान को आगे रखते हैं, कहते हैं लास्ट में तुम हिंदू हो। हम तो पहले हिंदू बोलते हैं, अभी जो भी हमारे आते हैं ना वो बोले कि हम हिंदू हैं। अभी बॉर्डर पे है ना सर, जो आते पे मिलिट्री वाले पूछते कहो ना भाई हिंदू है, वही पूछते हैं। अभी हमारे 15 घर आए थे वहाँ से, उन्होंने भी हिंदू बोला, मैं खुद गया था अमृतसर लेने उनको बॉर्डर पे। अभी जो भी आते मैं खुद ही जाता हूँ उनको लेने, यहाँ लेके देते हैं किराए के मकान, ये वो सारे कुछ लेके देते हैं यहाँ, इतनी सेवा करते, इनकी मेहरबानी राशन भी हमें देते हैं। जे आर जा साहब, डॉक्टर रतन साहब, गोर्धन जी की मेहरबानी है बड़ी बड़ी हमारे ऊपर, वो राशन दिलाते हैं, वो मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं हिंदू समाज के लिए, इतनी मेहनत करते, रात दिन मेहनत करते हैं वो जो मेरे पास यहाँ बैठे थे। तो दो तरह के हिंदू हैं दर्शकों, एक वो हैं जो सिर्फ बातें करते हैं चैनल पे बैठ के, काम नहीं करते। हम जयपुर सिर्फ और सिर्फ इनसे मिलने आया हूँ मैं, और मेरा चलिए एक कार्यक्रम है, वहाँ पे पुष्पेंद्र जी रहेंगे, मैं रहूँगा, हमारे भाषण होंगे, नीरज अत्री जी रहेंगे, रमनीक भाई रहेंगे, हमारे भाषण होंगे, आप हमारे भाषण देखेंगे सुनेंगे। लेकिन मेरे आने का पर्पस ये था कि मैं आपको इनसे मिलाऊं, ये हैं असली हिंदू, सिर्फ माथे पे विभूति लगा के, चंदन टीका लगा करके और लोगों के लाइसेंस कैंसिल करने वाले हिंदू हिंदू नहीं है। तलवार की नोक पे मरना हो मर रहे हैं, मारना हो तो मार रहे हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ रहे, सब कुछ अपना छोड़ करके चले आ रहे हैं। इनके लिए ना इनकी संपत्ति मैटर करती है, ना कोई चीज़ मैटर करती है। प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बात की, हम आपसे फिर कभी मौका लगा ज़रूर आपसे बात करेंगे। आप जैसे लोग प्रेरणा स्रोत होने चाहिए इस देश में हिंदुओं के। सर हम तो बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं सबके सामने, हमारे टीवियों पे भी चैनल हुए, इंटरव्यू हुए थे, वहाँ भी ऐसे ही बोलते हैं, हम तो तलवार की नोक पे ही बोलते हैं हम तो, लेकिन अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा कभी भी, चले आए वापस आ गए इधर अपने हिंदू धर्म में, पूरे परिवार को निकाला। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाजी आपका नाम? हेडचर। कहाँ से आए आप? अमरकोट। अमरकोट से जी। अमरकोट तो हिंदू बाहुल्य इलाका है। हिंदुओं का नहीं, अब मुस्लिम ज्यादा हो गए। अच्छा, ज्यादा हो गए? हाँ बहुत ज्यादा हो गए। वो तो इकलौता इलाका था पूरे सिंध में जहाँ हिंदू थे मेजोरिटी में। हाँ थे, पहले अमरकोट सारा शहर भी हिंदुओं का था। हाँ। ये है, पर अभी मुसलमान बहुत बढ़ गए हैं। हमारे से ऐसी तो दिक्कत नहीं हुई, पर देख रहे थे तो दूसरी तरफ तो हिंदुओं का धर्म जा रहा है, अब हिंदुओं के धर्म को काट रहे हैं, उस वजह से फिर हम निकल आए। मेरे अभी दो बेटे हुए हैं वहीं है अमरकोट, और हम तो एक बेटा लेके यहाँ आए हैं। तो दो बेटे आपके वहीं पे हैं? हाँ दो बेटे हैं, तीन बेटियां हुए हैं हमारे, पोते हैं पोतियां हैं, वहीं रह गए। तो उनको क्या यहाँ वीजा नहीं मिल रहा? ना वीजा तो मिल रहा है, खर्चा नहीं है, खर्चा के बगैर नहीं वीजा मिलती है, पासपोर्ट नहीं बनते हैं, वीजा नहीं मिलती है, क्या करें, मजबूरी से थोड़े थोड़े निकलेंगे, यही बात है बस। अच्छा। हाँ यहाँ आए तो नहीं तो कोई आधार कार्ड हमको मिलता है, नहीं कोई मजदूरी मिलती है आधार कार्ड के बगैर, नहीं कोई बैठने के लिए जगह ही कोई मिलती है, यहाँ भी हमारे से यही बात। मतलब आपका आधार कार्ड भी नहीं बनता यहाँ? नहीं, आधार कार्ड के बगैर काम ही नहीं मिलता, कोई कम मजदूरी जाए ना बेलदारी करें तो ही के भाई आधार कार्ड दो, अरे आधार कार्ड हमारा बना नहीं, हमको 10-11 महीने हुए हैं आए को यहाँ,
और आधार कार्ड बनता नहीं है, ये बोले तो आस्ते धीरे धीरे बन जाएंगे, यही बात है बस। तो यहाँ पे तो बांग्लादेशी जो है 2.5-3 करोड़ रहते हैं, पर हिंदुस्तान में उन सबके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, सारे कार्ड है, उनके पास तो ऐसा कोई कार्ड नहीं है। मैं तो कहता हूँ उनके पास क्रेडिट कार्ड भी होगा। हमारे पास तो कुछ नहीं है, अथॉरिटी कागज है, पासपोर्ट है, वीजा है बस। हाँ बस वही है आपके पास, दूसरी कोई प्रॉपर्टी हमारी कोई नहीं है, क्या करें। तो आपने ये बात सरकार में किसी से कही? किसी से कहा, हम तो किसी को नहीं क्या बोला, वो मीडिया वालों को बोले, अरे वो बोलता है धीरे धीरे बन जाएंगे, कभी पता नहीं, हम तो भूख मरते हैं, हमारे बच्चे भूख मरते हैं, मजदूरी नहीं मिलती है तो भूख मरेंगे क्या करें, यही बात है बस। तो आप वहीं रहते आराम से, फिर क्यों चले आए फिर? वहां तो आराम नहीं था ना, हाँ आराम करने के लिए तो यहाँ आए हैं, और यहाँ पे भी हैरान हो रहे हैं। यहाँ आराम करने के लिए आए हैं, काम मिल जाए ना, आधार कार्ड बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो धीरे धीरे हमारे बच्चे भी वहां से भी आ जाएंगे। हाँ ये बात। तो आपको आए हुए कितने दिन हुए? हमारे को 11 महीने, 10 महीने हुए, 11 महीने, 11 महीने पहले आप आए। तो आप और आपका एक बेटा आए हैं, बाकी परिवार वहीं पे, दो बेटे और 3 बेटियां और नाती पोते वहीं पे, पोते पोतियां वहां भी है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मिलते हैं जुजराज सिंह जी से। आप भी पाकिस्तान से आए हैं और आपने अलग अलग समुदाय के लोगों को आपने देखा, ब्राह्मण समाज के भी थे, मेघवाल समाज के भी थे जिनसे हमने बातचीत की है, ये राजपूत समाज से हैं। भाई साहब अब आपकी क्या दिक्कत हो गई पाकिस्तान में? मतलब हम तो ये सुनते हैं कि भाई वहाँ पे जो जो सिख कम्युनिटी है या जो राजपूत कम्युनिटी है या जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो प्रॉब्लम तो सारी जो है पिछड़े वर्ग को है। भाई साहब सुनने में जहाँ हम देखते हैं तो बहुत अंतर है। सबसे पहले जय श्री राम, सब लोग सुनने वालों को मेरा नमस्कार, बार बार आभार व्यक्त करता हूँ जो इतना समय निकाल के हमारे पास मिलने के लिए आए हैं। वहाँ यही है मेन पॉइंट, तो जो भी सिख हो, चाहे मेघवाल हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, हिंदू जाति के नाम के पीछे उनका बड़ा भेदभाव है, बड़े उनके लिए परेशानी है हिंदू कहलाना। अभी वो लोग तो बिल्कुल कट्टर है हिंदू नाम सुनने के हिसाब से भी, तो इसलिए काफ़ी सारी दिक्कतें वहाँ आती है, बहन बेटी से लेकर काम धंधे से लेकर, एक कंट्री छोड़ के तो परेशान आदमी होता है दूसरी कंट्री के लिए, वहाँ तो एक सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में जाने के लिए भी हिंदू 100 बार सोच के बाद में निकलते हैं घर से, तो पता नहीं वापस शाम को आएंगे या नहीं आएंगे। हम भी कराची से ब्लॉक सुन से करते थे, अभी मेरी यहाँ नागरिकता होगी आने के बाद, 2013 में मैं आया था, तो उनके आने के बाद मेरे साथी हमारे को ऐसी एक टीम मिली, जे आहूजा जी और डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी, जिसने हमारा हाथ थंबा, थंबने के बाद में जो भी धन्यवाद उनको हो और इनकी पूरी पीढ़ी को पुनर्तक, हमारे जो भी पाकिस्तान विस्थापित पीड़ित आए हैं इनके लिए बार बार धन्यवाद देते रहे और भी देते रहेंगे। ऐसे आदमी हिंदुस्तान में खड़े हो जाएँ सैकड़ों के तादाद में, तो जहाँ भी जो भी हिंदू बेचारे अपने पीड़ित हैं उनको अपन कोने कोने से ला के अपन यहाँ हिंदुस्तान में बसाने का संकल्प हमारी टीम ने लिया है। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी हर तरह से अपना जाखोड़ कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं, जय भाई साहब, और उनका पूरा संकल्प लिया है, भगवान उनकी नया पार करेगा, इसमें वो सफल जाएंगे। बाकी एक मेन मुद्दा हमारा यही है, जो भी वहाँ से अपने पीड़ित बेचारे आ रहे हैं उनके लिए कम से कम अपना कमाएंगे अपना खाएंगे, राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको हमारी यही अपील है, तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था की जाए, थोड़ी बहुत भूमि दी जाए, तो उनको अपना झुग्गी झोपड़ी बना के अपना जो भी बाकी रहा है जिंदगी का जीवन सफ़र वो अपने हिसाब से बसाएं, उसके बच्चों के लिए, वो बच्चों का भविष्य सोच के आ रहे हैं, वो उनके लिए भी कुछ किया जाए, आईडी वगैरह जो भी बैंडेड अभी की है उनको भी इशू की जाए, तो वो आईडी बना के उनका सारे अपने ख्वाब सपने, वो आईडी के बिना कोई कहीं से दुकान पे भी 10,000 की तनख्वाह की जगह 5,000 में भी नहीं रख रहा। भैया पाकिस्तान से आए हो, वहाँ तो दुखी हिंदू हैं पीड़ित हैं, वो यहाँ आने के बाद भी अपने देश में भी फिर उनसे ज़्यादा पीड़ित अभी हो रहे हैं, तो ये राजस्थान सरकार और गवर्नमेंट को
और केंद्रीय सरकार को हमारे निवेदन हम कर रहे हैं बार बार उनको, तो ये जो जितने भी पीड़ित परेशान रहे हैं इनको दूर की जाए वहाँ से, और जैसे बांग्लादेश हो जा कितनी भी जो भी अपनी कंट्री है वहाँ पे अपने हिंदू हैं जरे, उनको जल्द से जल्द वहाँ से पीड़ितों के हाथों से निकाला जाए। जय हिंद। एक पॉइंट ये आता है कि आप जो कह रहे हैं अभी तो भाई साहब आपसे पहले जो बैठे थे बाबूजी वो उनके पास तो आधार कार्ड नहीं है। मेन तो मुद्दा यही है, यही तो मैं अभी तो जिनके जिनके आधार कार्ड नहीं बना रही सरकार, आप कह रहे हो आप इनको नागरिकता का पेपर बना के दे दो। नागरिकता का तो पेपर बाद की बात है, पहले आते ही 8-10 दिन में या महीने में 2 महीने में कम से कम इनका आधार कार्ड बनना चाहिए जरूरी है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पूरा फोकस इसको दे के पहले ये पॉइंट बनाना चाहिए। आधार कार्ड बनने से कम तो उनके बच्चों की सपोर्ट मिल जाती है। अभी दो दो तीन तीन बच्चे हैं, मतलब वहाँ तो ठीक पढ़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, गवर्नमेंट में चल रहे थे, यहाँ आने के बाद में वो बिल्कुल आवारा परेशान है, माँ बाप तो परेशान है, बच्चे भी परेशान है। आधार कार्ड जल्द से जल्द गवर्नमेंट को हमारे ये निवेदन और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आधार कार्ड जरूरी लाजम करके ये बना के उनको दिया जाए। आप बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ आप वहाँ टच में भी रहते हैं, जहाँ से आप आए हैं वहाँ से आप बहुत सारे और लोगों को निकालने का काम करते हैं, तो आपको महीने में लगभग कितने पाकिस्तानी हिंदू आपको अप्रोच करते हैं फोन पे उनको भारत आने के लिए? महीनों में तो क्या लाखों सैकड़ों के तादाद में जितने भी हिंदू हैं उनके दिल की धड़कन में 24 घंटे का वाइब्रेशन यही चल रहा है, तो कब हमारे वीजा की छूट मिले, आने जाने की सहूलत हो, तो हम जल्द से जल्द जाए। यानी सैकड़ों की तादाद में आपको हर महीने फोन आ रहे हैं? बिल्कुल सर, वीजा भी बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट दे रही है, ये भी गवर्नमेंट को दूसरे नंबर पे हाथ जोड़ के निवेदन और हम कर रहे हैं रिक्वेस्ट, तो वीजा पे भी कुछ नरमी की जाए, जैसे 18-19-20 ग्रेड का भाई वो चाहिए, वो कहाँ से कौन हमारे को करके देगा? एक पाकिस्तान कंट्री से नाम सुनते ही आदमी परेशान हो जाता है, बस चलते हुए सफर करते हैं उनको पता चल जाता है ये पाकिस्तानी लैंग्वेज बोल रहा है, भाई कहाँ के आए हो, कहाँ से हो हम, भाई पाकिस्तानी है, झूठ बोलना भी हमारे को आता नहीं है, तो वो भी डर के मारे घबरा जाते हैं, पता नहीं हमारे ये पाकिस्तान से आए हैं, इतना खौफ उनको है। तो ये सब कुछ सोच के गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए, इनको कुछ ना कुछ अपने जीवन बसर करने के लिए इनको भी सहूलत दी जाए। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपको इतना समय हुआ यहाँ आए हुए, आपने इतने सारे लोगों को आप वहाँ से लेके भी आए यहाँ भारत में, भारत अगर मैं पूछूं कि हिंदुओं को वहाँ पे जो 3 मुख्य प्रॉब्लम हैं पाकिस्तान में समाज में, वो क्या है वो 3 समस्याएं? 3 समस्याएं मेन तो ये है, हिंदू को कहीं काम पे वो मुसलमान लेते नहीं है, लेते हैं तो उनका नाम हमारे हिंदुओं को चेंज करके फिर काम करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे तो वो हिंदू लड़कियां पढ़ नहीं सीखती है, उनकी दिल की ख्वाहिश तो है हम पढ़ के हम भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, IPS बने, लेकिन इतना उनको हक भी नहीं है, शाम को लड़की वापस आएगी या नहीं आएगी। बड़े सिटियों चाहे छोटी गांव में हो, छोटे छोटे गांव में तो और भी ज़्यादा टॉर्चर रहता है उनके ऊपर। तीसरे नंबर पे जो मेन फोकस यही है, तो वो जैसे बोलते हैं भाई हमारी एक ही कंट्री है माउंटेन, तो उनको पूरा पेवर हमारे को पाक बनाना है, तो उनका यही ख्वाब सपना है, तो जितने भी हिंदू हैं इनको कन्वर्ट करके हम माउंटेन बनाएं। ये तीनों खौफ हिंदुओं के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो हिंदू जैन हिंदू है वो बर्दाश्त नहीं करने के हिसाब से वो अपना देश अपने बच्चे छोड़ के यहाँ आ रहा है धड़ेले से। सैकड़ों के तादाद ये ऐसे लोगों के फ़ोन भी आते हैं, हमारा भी यही पीड़ा डॉक्टर साहब रत्नो जी का और जय भाई साहब का, जितने भी हिंदू पीड़ित कहीं भी है किसी भी दुनिया के कोने में रह रहे हैं पीड़ित परेशान है, उनको ये डॉक्टर साहब और रत्नो जी हमारा ये पूरा उनके ऊपर भरोसा ये निकालेंगे सबको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बात की, थैंक यू भाई साहब। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम राजेंद्र चौहान है। अच्छा। पाक विस्थापित मेघवाल समाज जो वहाँ से यहाँ के रह रहे हैं मैं उसका अध्यक्ष हूँ। 2-2.5 साल से हमने अपनी पाक विस्थापित मेघवाल समाज के संस्था रजिस्टर कराई है, तो उसमें सारे समाज ने सरसमन से मुझे अध्यक्ष बनाया है, और उसके बाद हम 2004 में वहाँ से आए थे, और यहाँ बाकी सभी परमात्मा का आशीर्वाद है, यहाँ आने के बाद हम अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं। मेघवाल समाज से आप आते हैं, मेघवाल समाज भारत में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आता है, ये पिछड़ा वर्ग है, उसको आरक्षण भी प्राप्त है, उसको सरकार की तरफ से अलग अलग
बातें भी बताई जाती हैं कि भाई हम आपके अपलिफ्टमेंट के लिए, आपके समाज में विकास के लिए, सुधार के लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। तो इंडिया में तो जो पॉलिटिक्स है जो पिछड़े समाज की, और जो राजनेता जो पॉलिटिशियंस ये राजनीति करते हैं पिछड़े समाज की या ओबीसी समाज की, उनके मुंह से तो कभी मैंने आपका नाम नहीं सुना आपके समाज का, या कि भाई मेघवाल पार्क में स्थापित जो मेघवाल समाज है हम उसके लिए कुछ करेंगे। सर वो आपकी बात सही है, ये सब राजनीति के फंडे हैं कि आज आप, हम तो जब से पाकिस्तान से यहाँ आए हम वहाँ अपने आप को कहते थे सिर्फ हिंदू, हमने कभी वहाँ ये जाति का जहर देखा नहीं पाकिस्तान में, चाहे जातियाँ तो सभी हैं, मुसलमानों भी होती है, लेकिन हम वहाँ जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी मिलते जुलते थे, तो हम तो नाम से वे, आज मेरा नाम राजेंद्र चौहान है, गोवर्धन भाई है या जजराज जी है, वे अपन हिंदू हैं, तो हम एक जगह बैठ जाते थे। हमने कभी ये भेदभाव देखा भी ये राजपूत समाज से, ये मेघवाल समाज से है, या ये आदर शर्मा है, ये चीज़ नहीं थी। जब हम यहाँ आए तो राजनीति यहाँ भारत की इतनी हमने देखी गंदी है कि सिर्फ वोट के लिए ये राजनीति जातिवाद का जहर फैलते, जातियों बढ़। आज अगर कहीं भी किसी भी जगह पे अगर किसी शेड्यूल कास्ट के आदमी को या किसी बड़ी जाति के आदमी को कोई मार देता है तो मीडिया वाले उसकी जाति से पहचानते। आज देखो जी दलित को वहाँ, दलित के बेटी को मार दिया, दलित की बच्ची के साथ जाति हो गई, यानी उनको उस चीज़ से पुकारा जाता है। आज अगर किसी मुसलमान के साथ अगर ये चीज़ होती है तो उसमें सिर्फ क्या कहते हैं मुसलमान, कि मुसलमान के साथ ये जाति हो गई, उसमें शिया सुन्नी अहमदी बरेलवी नहीं करते। मैं वो पहले कह चुका हूँ कि वहाँ उनमें भी तो जातियाँ हैं ना, लेकिन उनको सिर्फ आप एक मुस्लिम धर्म के नाम पर लगा देते हो और उसमें इश्यू हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं। और यहाँ आप हिंदुओं को जाति बांट देते हो तो कोई नहीं, आप वहाँ क्यों नहीं कहते भी वहाँ भी एक हिंदू से ये जाति हुई है, आप जातियों बांटते हो और उससे क्या आदमी से आदमी दूर होता है, भेदभाव पैदा होता है। मैं हर जगह कहता हूँ कि आप इस जातिवाद के जहर को ख़त्म करो। आज मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ स्कूल में, मेरे बच्चों के आगे उसका लगाव है पृथ्वीराज चौहान, शिव शक्ति चौहान या चंद्र प्रकाश चौहान। हमने उसमें ये नहीं लिखा कि हमारा, हम तो दलित हैं, हम मेघवाल हैं, हमारे को ये नहीं। हम अपने बच्चों को बोलता हूँ आप तो फाइट करो, पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करके आगे निकलो। अगर हम अपने ये नहीं, हम हिंदू हैं, सिर्फ उनको बच्चों को ये कहो आपसे कोई पूछे ठीक है, ये जातियाँ या ये जो गोत्र वगैरह बनाए गए ये तो शादी ब्याह के लिए बनाए गए हैं, ये इंसान की पहचान है, लेकिन आप उसको धर्म से जोड़ के उनको अलग बांट देते हो। आज आप अंदाजा लगाओ जितनी भी छोटी जातियाँ जिनको अपन कहते हैं इंडिया में, तो आज वो धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? आज ईसाई मिशनरी है या मुसलमान, सरेआम अब इसी जैसे मंच पर खड़े होकर बोलते हैं, अगर दलित और मुसलमान ये जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं जितने भी ये सारे एक हो जाए तो हमारा प्रधानमंत्री एक बन जाएगा। उनके पावर, उनको ये चीज़ कहाँ से आ रही है, उनको ये बोलने का हौसला कहाँ से आ रहा है? हम खुद ही दे रहे हैं ना, हिंदू दे रहे हैं ना, क्योंकि हम एक दूसरे से दूरियाँ बना रहे हैं, एक दूसरे से दूर होकर उनको जातियों बांट रहे हैं, जब उनको ये हौसला मिल रहा है। आप चूंकि इस पूरे मेघवाल समाज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो पाक स्थापित मेघवाल समाज है, और आप मतलब आपको चुना गया है, समाज ने चुना है, वोट देकर के चुना है, सर्वसम्मति से आप चुने गए। पाकिस्तान में जो आपकी जो समस्याएं थी और भारत में जो समस्याएं हैं उनमें कितना अंतर आप देखते हैं? देखो यहाँ की जो समस्या है ना सिर्फ एक छोटी सी है, जातिवाद का या आदमी का, ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। पाकिस्तान में तो देखो वहाँ तो सब हिंदू है। आज मैं अपनी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं 12 दिसंबर 2003 को, मेरा वहाँ बिजनेस बहुत अच्छा था, मेरी खाद बीज सपड़े की, मुसलमान मेरे पास ऐसे टेबले लगा कर बैठे रहते थे कि सर मेरा नंबर कब आएगा, मुझे पैसा मिलेगा, मेरे बच्चा बीमार है, मेरे को गेहूँ का कट्टा कब मिलेगा, मेरे घर पे लेके जाना है। लेकिन वहाँ चाहे कितना भी कोई पैसे वाला हो, कुछ भी हो, उसको अगर आपने मिटाना है धार्मिक एंगल दे दो या उसके ऊपर किसी बहन बेटी का मुसलमान का इल्ज़ाम लगा दो, तो मेरे से एक छोटा भाई है किशोर नाम है उसका, तो मेरी 40 एकड़ ज़मीन में खेती बीजी हुई थी, ज़मीन मेरी खुद की नहीं थी, ठेके पे ले रखी थी मुसलमानों से, उनको हम पैसा साल का दे देते थे, बाकी हमारे कारोबार भी था दुकानें वगैरह। तो दिसंबर 2003 को मेरे भाई पे, मेरे उस टाइम में लोगों से, मैं मुसलमानों से 30 लाख रुपये मांगता था 2003 में, जिनसे कभी किससे 10 लाख, किससे 5 लाख, और हमारे ज़मीन जायदाद जो मकान वगैरह सब अच्छा बिजनेस था।
तो जब भी किसी से पैसे मांगने जाए, हाँ दे देंगे, हाँ दे देंगे, आज नहीं कल, आज नहीं कल, लास्ट में ये हुआ कि हमारे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि ये तो हमारे मुसलमान लड़कियों के साथ सेट है, मुसलमान लड़कियों को लेके निकल गया। जबकि मुसलमान लड़कियाँ वो अपनी मर्जी से, उनके घर के अंदर विरोध था, उस लड़कियों को अपने किसी कज़न बरदर के साथ शादी कर रहे थे और वो लड़कियाँ उससे शादी नहीं, लड़की नहीं करना चाहती शादी, तो उसमें उसकी चाची भी मुलव्वस थी और चाची की लड़कियों को दूसरी जगह देना चाहता वो भी विरोध में थी और ये लड़की विरोध में थी, तो उसे चाची का सहारा लेके ये लड़की अपने किसी रिश्तेदारों के वहाँ से 2-3 दिन के लिए फरार हो गई और इल्ज़ाम सारा हमारे पे दे दिए कि इन्होंने किया है, हमारी की ज़मीन में ही खेती बाड़ी वहाँ बीजी हुई थी। तो हमारे को सर उस टाइम पैसा तो दूर की बात, अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। जैसे हमारे को पता लगा, मैंने अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, सबको मैं साइड में किसी दूसरे वहाँ से 2-250 किलोमीटर दूर जाके छुपाया। मैंने वहाँ से भाई को लिया, लाहौर में गुरुद्वारा है डेरा साहब, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पार्टी से बात करी तो मुझे पार्टी ने हौसला दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने भाई को यहाँ छुपा सकते। मुझे वो कमरा दिया, मैंने भाई को वहाँ बिस्तर वो दिए, परिवार को मैंने दूसरी जगह छुपाया। जो हाथ लगा पैसा बट्टी जो भी लगा, जो हमारे चीज़ में थी हाथ में जो आई, बाकी चीज़ सब गई, दुकानें गई, ट्रैक्टर गए, खेती जो बीजी हुई थी वो सब गई, वो लोगों ने उजाड़ दिया। सब चीज़ करने के बाद जो हमारे हाथ लगा हम आगे छुप के बैठ गए और वहाँ से मैं तकरीबन 6 महीने परेशान रहा वीज़ा के लिए। ये तो उस टाइम सौरभ गांगुली की टीम आई 2004 में आई थी वहाँ पे और मुझे पंजा साहब गुरुद्वारे में पार्टी दे, उनकी मेहरबानियों से मुझे वीज़ा मिला और उन्होंने मेरी मदद करी। तो लास्ट टाइम तक जब हम बॉर्डर क्रॉस करने था तब तक हमारे पास ये खबरें आती थी कि आपको बॉर्डर पे भी काट दिया जाएंगे आपको, लेकिन बाबा की मालिक की भगवान का आशीर्वाद मिला और हम इंडिया आ गए। तो आपने समस्या पूछी भी आप यहाँ आने के बाद और वहाँ, अब हम जैसे हम तो ठीक सुखी थे वहाँ पे, लेकिन आसपास हमारे मन में ये थी कि हम एक दिन यहाँ से अपना कारोबार समेट के हम इंडिया चले जाएंगे। उसका कारण ये था कि आस पड़ोस में हम जैसे देखते थे मैं किसी की जवान बच्ची को उठा लिया या स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं था उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। जैसे मुझे भी, मैं पढ़ते पढ़ाई करता था, मुझे भी बहुत लोग बोलते थे आप मुसलमान हो जाओ, आप तो ये है मुसलमानों जैसे दिखते हो, कारोबार इंसान, आप तो मुसलमान हो जाओ, क्या पढ़ा हिंदुओं का, नहीं हमारे पे कुछ किताबें भी लाजमी पढ़ाने की थी, हम उन चीज़ों को क्लोज करते हुए भी देखते हुए क्लोज होकर चले जाएंगे, लेकिन एकदम से हमारे पर पहाड़ गिर गया और हम यहाँ। अब यहाँ आने के बाद हमने ये चीज़ देखी, जब हमारे को कोई पाकिस्तानी बोलता है तो हमको सबसे ज़्यादा दुख लगता है। अगर आज हम हिंदू हैं, हमारे पे मुसलमान बनने का दबाव पाकिस्तान में बनाया जाता था, अगर हम मुसलमान होते तो हमारे क्या दिक्कत थी, लेकिन हमने कहा जब परमात्मा ने हमारे को एक हिंदू के घर पर जन्म दिया है तो हम मुसलमान क्यों हों। मुसलमान तो यहाँ धरती पर जब आप आते हैं, बच्चा माँ के कोख से जन्म लेता है जब करते हैं ना उसको, बाकी परमात्मा ने तो आते उसको डायरेक्टली मुसलमान करके भेजा नहीं। तो जब परमात्मा ने जो हमारे को जिस जगह जिस दुनिया जिस जगह पैदा किया हम उसी में ठीक है, तो हमने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते हुए यहाँ आ गए। यहाँ आके हम एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं फुटपाथ पे, अब जो पाकिस्तान से आ रहे उनकी मदद भी करते हैं। हमारे साथ जय भाई साहब हैं, डॉक्टर उमेंद्र रतन जी हैं और उनकी टीम है और हम उनके साथ सपोर्टेड है, सपोर्ट में जो भी वहाँ से आ रहे हैं उनको हम ला रहे हैं इंडिया में। मैं खुद इस टाइम लगभग 400-500 आदमी का गारंटर बन चुका हूँ खुद, और मैं डेली स्पॉन्सरशिप के कागज़ जो है डेली 100-150-150 तैयार करता हूँ, तैयार करके पाकिस्तान भेज रहा हूँ जो भी कोई जा रहा होता है या डाक द्वारा, ताकि वहाँ से निकलो। काफ़ी इस टाइम वहाँ लोग परेशान हैं हद से ज़्यादा कि हमारे को निकालो किसी तरीके से, लेकिन क्या कोई गरीब आदमी है, कोई यहाँ उनका जान पहचान का नहीं है। अब जान पहचान का जब होगा तभी तो वो यहाँ आ पाएंगे, गारंटर कोई नहीं मिलता उन बेचारों को। कभी अनजान आदमी आना तो ज़्यादा है लेकिन उसका आगे कोई पकड़ करने वाला नहीं है, किसके वीज़ा किसके नाम से लेके जाए, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब जैसे कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अब अनजान फैमिलियाँ हमारे को मिलती हैं। कल मेरे मिट्टी से एक परिवार है, उनको मैं पता लगा भी ये कर रहे हैं काम, तो मेरे को फ़ोन आया कि आप हमारा परिवार उसके गारंटर बन जाओगे। मैं कहा हिंदू हैं, कि हाँ बिल्कुल हिंदू हैं। मैं कहा ठीक है, मेरी आईडी लगाता हूँ, गारंटर बनता हूँ, बुलाओ उनको, कोई बात नहीं, अगर वहाँ पीड़ा जाए तो आ जाए, तो आए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे जो हिंदू हमारे साथ रह गए वो भी हमसे भेदभाव करते हैं। अगर वहाँ से कोई आ रहा है मकान छोटा सा किराए पे देने के लिए,
नहीं देते, यानी पाकिस्तान में कैसे लोग होंगे, क्या होगा। आज यहाँ से रोहिणिया आते हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, अभी अपने यहाँ के जो विधायक साहब हैं बाल मुकंदर जारे जी, कितने लोगों में अभी ई मित्रों पे वगैरह पे देख रहा हूँ कि उन कितने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी उनके पैन कार्ड कितने पकड़े उन्होंने। लेकिन एक हिंदू वहाँ से आ रहा है, उस पर हमारा कोई समाज विश्वास नहीं कर रहा। यार हमारा पासपोर्ट देख लो, हम कुछ चोरी आके यहीं बैठे, हमारा FRO में जाओ रजिस्ट्रेशन है, संबंधित थाने में रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास पासपोर्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ है, हमारे को रेजिडेंट परमिट को जो RP मिली हुई है, सब चीज़ मिली, आप उसके आधार पर एक मकान किराए दे दो, आपको किराया देंगे ना। लेकिन नहीं जी, आधार कार्ड है। अब इस टाइम बच्चों की सबसे ज़्यादा समस्या, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अभी मैंने 80-90 बच्चों को एक संस्थागत स्कूल खुला है, उनसे बात करी, RS शाखा के बारे से उनसे बात करते हुए उन्होंने बताया, वहाँ बच्चों को उन्होंने बोला हम बिठा तो दिए लेकिन हम एडमिशन नहीं देंगे जब तक आधार कार्ड नहीं होगा। अब आधार कार्ड के लॉन्ग टर्म वीजे की ज़रूरत है। अब LTV जो है इस टाइम MHA में सबकी अटकी हुई है, लोग बाग इतने परेशान है कि हमारी LT नहीं आ रही, जब तक LT नहीं आएगी हम आपको आधार कार्ड नहीं अप्लाई करने देंगे। आधार कार्ड तो एक कोई ये थोड़ी ना कि नागरिकता का प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड तो एक सिर्फ ID है भी, चलो आप अपना कोई व्यवसाय कर सकते हो, कोई काम धंधा का। आज मान लो कोई, जैसे अब मैं छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं पानीपत से कंबल मंगाता हूँ या दिल्ली से कोई सामान मंगाता हूँ, आधार कार्ड है तो मेरा माल आ जाता है और मैं अपना बिजनेस तो कर रहा हूँ। लेकिन अभी एक छोटी सी है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हमारे को समस्या है। अभी परिवार महीने में कम से कम 8-10 परिवार आ रहे हैं, हमारे को उनको रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। छोटे छोटे मकानों में जो किराए पे रह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को ठहरा नहीं सकते, वो परेशान है। उसके बाद वो आ रहे बेचारे, उनके बच्चों को वो अपना तो जैसे अमान पर रह गए वहाँ पे, वो लोग जाते हैं हम चले जाएंगे इंडिया में, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि हमारा तो भविष्य उजड़ गया, बच्चों का नहीं उजड़े। लेकिन यहाँ आने के बाद ही बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, वो पार्कों में कंचियाँ खेल रहे हैं, कोई क्या खेल रहे हैं, और जो लोफर लफंगे टाइप के लोग होते हैं वो उनके टच में आके बच्चों को गलत रास्ते बताएंगे। अगर वो स्कूल जाएं, शिक्षा पाएं तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। और एक हमने यहाँ देखा है कि आपको जगह जगह मदरसा तो मिल जाएगा, लेकिन हिंदुओं की शिक्षा देने वाला कोई ऐसा हमारे को गुरुकुल या कोई ऐसी संस्था है कोई जगह हमें नहीं है जहाँ हम बच्चों को एक घंटा वहाँ छोड़ के लें, तो अगर हमारे बच्चों को धर्म की भी शिक्षा हो, धर्म की पढ़ाई भी पढ़ना भी ज़रूरी है। धर्म का पता नहीं होगा तो बच्चों ने पढ़ लिया, साइंस पढ़ ली, हर चीज़ कर लिया, उसमें लेना देना नहीं है उनको। आज हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, उनको 1-2-3-4 नहीं बोलना आता, 1-2-3 को ये बोलना आता है। अगर ऐसे कोई धार्मिक स्कूल या धार्मिक जगह हो जहाँ पे जाके बच्चों को कुछ धर्म के प्रति पढ़ाई मिले, हमारे को तो धर्म का कोई पता नहीं है क्योंकि हम तो वहाँ रहे, हमने कुछ ऐसा देखा नहीं। हम बच्चों में अपना भविष्य देख रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे वहाँ से आने के बाद भी अंधकार में जा रहे हैं। हम तो केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, ताकि जो बच्चे आ रहे हैं उनको थोड़ा सपोर्ट दो। आधार कार्ड भी है, पहले सरकार में क्या था कि हम पासपोर्ट RP दे देते थे, उसके आधार पे हमारा एडमिशन हो जाता था। अभी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।